Justice for Pakistan, drop the deck. Justice for Pakistan, drop the deck. गुजारिश करें कि पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएँ, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। इस दफ़ा हमारे साथ बड़े बड़े NGOs भी हैं जिन्होंने पिटिशन चलाई थी और वो पिटिशन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने साइन कर चुके हैं। तो यूरोप में पिछले महीने से पार्लियामेंट से जो कैंपेन शुरू हुई थी कि पाकिस्तान का डेट $55 बिलियन का कैंसिल किया जाए ताकि पाकिस्तान की रिकवरी मुमकिन हो सके, और वो ज़्यादातर लैंडिंग्स उन ममालिक ने की है जो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की मीटिंग में यहाँ मेरे पस मंज़र में जो बिल्डिंग है उसमें इजलास में शामिल है। और यहाँ ऑक्सफैम, आवाज़ और दीगर NGOs ये कोशिश कर रही हैं कि ये बात उन तक पहुँचाई जाए कि पाकिस्तान की रिकवरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका डेट जो है वो कैंसिल किया जाए उसका डेट। यहाँ हमारे साथ ऑक्सफैम के कंपेन मैनेजर एट पैम्फ्रेट मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हाउ मच सक्सेस डू यू स्टैंड टू मेक योर कंपेन रियली सक्सेसफुल, एंड विल दे लिसन यू, एंड यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन द पास्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कंपेन? Yes, absolutely. So far, the Friends of Democratic Pakistan are not listening. So far, we are saying the voices of Pakistani people are not being heard. What we really need is we need aid to the poorest people quick, and then we also need to look at how to reconstruct Pakistan. Currently, Pakistan pays over $4 billion per year in debt repayments. That's 4 times more than they spend on healthcare. And we're saying, how can Pakistan reconstruct? How can Pakistan find the $45 billion it's estimated that it needs to reconstruct the country when it's faced with these sorts of debt repayments? So we're hoping that the Friends of Democratic Pakistan will listen to organizations like Oxfam, but also the voices of the Pakistani people who are telling them we need to drop Pakistan's debt. यकीनन कंपेन का मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और इसमें मज़ीद तंजीमें शामिल होती जा रही हैं। लेट्स होप कि यूरोपियन अमेरिकन्स और वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे जिन्होंने पाकिस्तान को तवील असर तक लैंडिंग की है वो इस बात पर गौर करेंगे। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसल्स।